Doamne, ce să se avem într-o noare? Măraci! Măraci! Azi am avut seara! और जैसा कि सबको प्रतीत है कि आज पंडित रामकृष्ण स्वर्ग से पधारने वाले हैं। यहाँ कहाँ हैं वो? आचार्य, पंडित रामकृष्ण कहाँ है? हाँ, कहाँ है पंडित रामकृष्ण? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। पंडित रामकृष्ण कहाँ है? अब हम क्या करेंगे? आचार्य, अरे आपके प्रस्ताव को आशन आएंगे महाराज, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। समय लग सकता है, वो मछलीपट्टनम से विजयनगर आने में भी तो समय लगता है, तो वो तो स्वर्ग से आ रहे हैं, हमें हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए महाराज। बेटे साहब वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। देखो दूसरे वो सब प्रधानमंत्री दूसरे से देखो, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। कंटिन्यू सर, 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 दरवाजा नहीं नहीं दरवाजा एक्शन। जी महाराज, सभी के लिए खाने का कुछ प्रबंध किया जाए और साथ में शरबत भी। मंत्री बार हम पूछ रहे हैं कि समय कितना हुआ? एक सेकंड। एक महाराज, सभी के लिए खाने का प्रबंध किया जाए और साथ में शरबत भी। मंत्री बार हम पूछ रहे हैं कि समय कितना हुआ है? एक पहर बीत चुका है महाराज। एक्शन। कुछ पता नहीं महाराज, कब आएंगे महाराज? यही बात आप सूर से पूछिएगा। स्वर्ग में ही थे गुरुवर, आप ही ने तो भेजा था।
वहां इतनी जलन है, ही आनंद था, शांति सुख ही सुख, वैभव मेघा उर्वशी रंभा, इन सबका नृत्य। परंतु तो ये सुख केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है आचार्य, उन्हें जिन्होंने केवल अच्छे कर्म किए हों। प्रणाम महाराज, आज मैं स्वर्ग में आएगा। दो दो समस्या है महाराज। पहली समस्या तो आपको मेरे मुखमंडल पर ही दिख रही होगी, ये मेरी बड़ी हुई दाढ़ी मूंछ, मेरे बड़े हुए केश। स्वर्ग में कोई नाई नहीं है महाराज, आपके पिताश्री की भी दाढ़ी और मूंछ इतनी बढ़ गई है कि धरती तक पहुंच रही है, और उनके केश तो जटाओं की तरह 20-20 गज बढ़ चुके हैं महाराज। महाराज केवल संदेश ही नहीं, उनका आदेश है कि राज्य का राज केश कर्तव्य यानी कि मंगली सरैया स्वर्ग जाकर मंगली सतैया को स्वर्ग भेजा जाए उनकी सेवा में, ताकि वो उनकी बाल दाढ़ी मूंछ सब काट सके। अरे मान्यवर, अरे सर अभी आना आपको। एक्शन सर, लास्ट में लेना बाबा जी साफ कर दें। एक्शन, ताकि वो उनकी बाल, ताकि वो उनकी बड़ी हो, ताकि वो उनकी बड़ी हुई मूंछ दाढ़ी बाल सब काट सके, साफ कर सके। सब शॉप उंगली से खाने लगी खड़ी में। ओके, परंतु मान्यवर। हाँ जा, एक नंबर से जाना। रेडी। परंतु मान्यवर, स्वर्ग में भी किसी की दाढ़ी मूंछ टूटती है क्या? बढ़ती है, ये देखिए मेरी बड़ी है ना। पकड़ लेते से परंतु मान्यवर, स्वर्ग में भी किसी की दाढ़ी मूंछ बढ़ती है क्या? बढ़ती है, मेरी देखिए मेरी बड़ी है ना, मैं भी तो स्वर्ग से ही आया हूँ। वैसे ही महाराज, जैसे मुझे स्वर्ग भेजा था, आपके पिताश्री को भी एक कुशल तांत्रिक की आवश्यकता है जो उन्हें विभिन्न लोगों की सैर पर जाने की व्यवस्था कर सके, और मुझे प्रतीत होता है कि आत्मस्वामी इस कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। परंतु महाराज, ऐसे कोई व्यक्ति स्वर्ग से दूसरे ब्रह्मांड पर कैसे जा सकता है? यह असंभव है महाराज, असंभव। अरे क्यों? हाँ अभी गिर गया ना। एक्शन पे दोनों घुटनों के बल गिर जा रहा था। अड़िया रले। अपुट पुट के रहा था। इधर मैंने जैसे के ये आज। अब रले। अड़िया सर, दो रले। थोड़ा पीछे आइए, तादरी जी इधर जाइए। हाँ रले, दो रले। एक्शन। जैसे मुझे स्वर्ग भेजा था महाराज, आपके पिताश्री को भी एक कुशल तांत्रिक की आवश्यकता है जो उन्हें दूसरे लोगों के भ्रमण पर जाने जैसे मुझे स्वर्ग भेजा था आपके पिताश्री को भी एक कुशल तांत्रिक की आवश्यकता है जो उन्हें दूसरे लोगों के भ्रमण पर भेज सके, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है महाराज कि आत्मस्वामी इस कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मेरा लाइन हो गया परंतु महाराज, कोई भी व्यक्ति लोक परलोक में भ्रमण कैसे कर सकता है? ये असंभव है महाराज। रोलिंग। एक्शन। महाराज, हमसे भूल हुई है। सर थोड़ा पीछे रहिए आप। महाराज, मुझसे भूल हुई है, ये सब कुछ असत्य, लालच में आके ये कार्य हुआ मुझसे। मुझे भी क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे चिता पर नहीं बैठना है, मैं मरना नहीं चाहता महाराज, क्षमा क्षमा महाराज। अरे अरे मेरा पर आपने तो राम कृष्ण को स्वर्ग भेजा था तार्किक साहब, महाराज मैंने उन उन्हें ये सत्य है महाराज, मैं स्वर्ग में नहीं था, यही था विजयनगर में। तेरा दूसरी तरफ।
सब बात सुन आपस में खुश रहो खुश रहो कंटिन्यू। और महाराज जी बोला फिर आपने ऐसा क्यों किया पंडित रावत इतना बातें बातें हुई और यह अवश्य पंडित रामकृष्ण के विरुद्ध किसी ने षड्यंत्र रचा है। बताओ देखो अब भी वक्त है। देखो अब भी वक्त है सब सत्य बताओ ये षड्यंत्र किसका था? ये ये समस्त प्रपंच हमारा रचा हुआ था। सब शांत राम शाह गुजर हमें सब क्या था कि तांत्रिक का किसी को भी स्वर्ग भेजने का ढोंग किया उसने। क्या लगे आप कुछ हम मांगने की आवश्यकता नहीं मांगनी सत्या परंतु आपसे आप अपने स्वप्न अपने तक ही सीमित रखिएगा किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम पंडित रामकृष्ण के विचार से सहमत है कि स्वप्न मात्र स्वप्न होते हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए।